हाय गाइस एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स फंडा। आज हम लोग दो क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें एक है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ये आप इसमें आपका वेरिएबल भी प्लस होगा। एंड एक देखेंगे हम लोग फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट, एंड ये फ्लोर जो है इसमें आपके 7% है, उसमें खाली 3 फ्लोर पर ही उनको एडजस्ट करना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक है। एंड ये दोनों क्वेश्चन आपका जो आगे पेपर आने वाला है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनको कैसे आपको सॉल्व करना है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने स्मार्ट कीड़ा की वेबसाइट से लिए हैं, जिनकी टेस्ट सीरीज का जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है टेस्ट जोन। सो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में है, तो हिंदी लैंग्वेज वाले जो पर्सन है प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। एंड एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी यहाँ पे, जो मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर बनाया था SBI PO मेंस का, तो उसका मेरे पास हिंदी में पेपर नहीं था, इस वजह से मैंने उसका हिंदी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड नहीं कराया था। लेकिन जिस जिसका पॉसिबल हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको हिंदी लैंग्वेज ज़रूर प्रोवाइड कराऊँ। ओके, लेकिन मैंने उसको एक एक लाइन को एक्सप्लेन करा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको भी दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, क्योंकि लैंग्वेज तो आपकी हिंदी ही रहती है ना एक्सप्लेनेशन में। तो यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मूव करते हैं क्वेश्चन पे। और एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगी लास्ट टाइम के कमेंट से, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज किसी ने मुझसे पूछा था। तो देखो क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज ये होता है इस साइड में इस तरीके से चलना, ठीक, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, आपकी क्लॉक कैसे चलती है, देखो क्लॉक वाइज, ठीक, क्लॉक प्लस वाइज, क्लॉक के अकॉर्डिंग चलना। क्लॉक कैसे चलती है आपकी, इस तरीके से चलती है आपकी सुई, है ना, ऐसे करके तो चलती है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ऐसे करके तो जाती है। तो ये जो चलता है आपका ये होता है क्लॉक वाइज, ठीक, ये ऐसे करके। और एंटी क्लॉक वाइज क्या होता है, इसका उल्टा, ठीक। तो ये इस साइड से जो होता है ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 8 पर्सन हैं, उनके नाम गिविन है राम, कपूर, लखन, मंदर, नटवर, ओम, पप्पू एंड वरुण आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग दी सेंटर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखो सबके अल्फाबेट जो हैं स्टार्टिंग के वो अलग अलग हैं, तो मैं यहाँ पे पूरे पूरे नाम का यूज़ नहीं करूँगी। इनका जो फर्स्ट अल्फाबेट है RKLMNOPNV, सिर्फ उन्हीं का यूज़ करूँगी, ठीक है। एंड इसके अलावा फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनकी एजेस जो हैं वो अलग अलग हैं, जो कि है 19, 23, 26, 28, 31, 38, 43 एंड 49। ओके, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ते हैं। ओके, तो 8 पर्सन है, इस तरीके से बैठा लेंगे। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक बार मैं इनकी एजेस को यहाँ पे लिख लेती हूँ। इनकी एजेस हैं 19, 23, 26, 28, 19, 23, 26, 28 एंड 31, 38, सॉरी 31, 38, 49 एंड 43, आई थिंक, यस 43। ओके, देखो यहाँ बोलते हैं कपूर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 38 ईयर ओल्ड। सारे पर्सन इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो 38 वाला पर्सन अगर यहाँ पर आता है तो 1, 2 एंड 3, के आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, कपूर को मैं एज अ के ले रही हूँ। देन पप्पू इज थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, राइट। तो पी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है किसके, एम के, इसको हम लिख लेंगे क्योंकि इसके भी पॉसिबिलिटी आएगी, राइट। देन 38 ईयर ओल्ड इज अ नेबर ऑफ बोथ ओ एंड पी। 38 ईयर जो है वो आपका दोनों का नेबर होगा, ओ का भी और पी का भी। तो देखो या तो आप चाहो तो पॉसिबिलिटी बना सकते हो, लेकिन पॉसिबिलिटी बनाने से पहले इसके आगे के एक दो स्टेटमेंट और पढ़ लेना, ऐसा ना हो कि खाली आप यहाँ पे डायग्राम बनाओ और नेक्स्ट में वो फिर इरेज हो जाए, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी इरेज हो जाए। और अगर आप देखोगे तो जैसे ही आप यहाँ पे खत्म करोगे लाइन, सेकेंड लाइन अगेन ओम से ही रिलेटेड है, तो फिर आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि ओम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो आपका ओ जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट है पी के, तो यानी कि पी यहाँ पर आएगा, ओ यहाँ पर आएगा, दोनों एक दूसरे के इमीजिएट नेबर हो जाएंगे एंड ओ जो है पी की सेकेंड टू द लेफ्ट में आ जाएगा। ओके, एंड पी यहाँ
पर आ गया, तो पी से कनेक्टेड आपका पॉइंट यहाँ पे है कि एम की थर्ड टू दी लेफ्ट में पी आएगा, तो इस हिसाब से आपका एम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो इस पॉइंट को भी आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद आगे कह रहे हैं, वी इज सेकेंड टू दी राइट ऑफ आर, वी जो है वो सेकेंड टू दी राइट है आर के, तो आर अगर यहाँ पर आता है तो वी यहाँ नहीं आ सकता, आर यहाँ आता है तो वी यहाँ नहीं आ सकता, आर यहाँ आता है तो वी यहाँ आ सकता है, और आर यहाँ आता है तो वी यहाँ आ सकता है। ठीक, आर यहाँ पर तो वी यहाँ पे, और आर यहाँ पे तो वी यहाँ पे। ठीक, तो दो पॉसिबिलिटी है। अभी हम रुक जाते हैं यहाँ पे कि वी जो है वो सेकेंड टू दी राइट में आएगा आर के, राइट। उसके अलावा कह रहे हैं 49 ईयर ओल्ड इज सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ एन, तो 49 ईयर जो है ओल्ड वो सेकेंड टू दी लेफ्ट है एन के, तो अगर आपका एन यहाँ पर आता है तो 49 यहाँ आ सकता है ना, एन यहाँ आता है तो 49 यहाँ आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम यहाँ पे रुकेंगे और इसको लिख लेंगे कि 49 जो है वो सेकेंड टू दी लेफ्ट आ जाएगा किसके, एन के। देन इसके अलावा आगे कह रहे हैं, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एम और एल, एम एंड एल के बीच में 2% का गैप आएगा, तो आपका एल यहाँ भी आ सकता है, एल यहाँ भी आ सकता है, आई एम सॉरी, 1% का गैप आएगा तो एल यहाँ भी आ सकता है, एल यहाँ भी आ सकता है, तो लिख लेंगे एम और एल के बीच में खाली 1 का गैप आएगा। उसके अलावा कह रहे हैं, कपूर हु इज फोर्थ ओल्डेस्ट पर्सन इन द ग्रुप इज इमीजिएटली ओल्डर देन एन बट नॉट इमीजिएटली यंगर, सॉरी बट इमीजिएटली यंगर देन आर। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो फोर्थ ओल्डेस्ट पर्सन है यहाँ पे जो कि है कपूर, तो ओल्डेस्ट कैसे होगा, 1, 2, 3 एंड 4, तो कपूर की जो एज है वो क्या होगी, 31। तो ये क्या है, ये इमीजिएटली ओल्डर है एन से, यानी कि एन की जो आपकी एज है वो क्या होगी, 28, बट इमीजिएटली यंगर है आर से, यानी कि आर की एज जो है तुरंत इससे बड़ी होगी, यानी कि क्या होगी, 38। तो देखो हमारा 38 फिक्स भी है, तो हम लोग आर को फिर यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। देन एल इज ओल्डर देन मैनी बट ही इज नॉट ओल्डेस्ट, तो आर जो है वो ओल्डर देन है मैनी, मतलब कई से ओल्डर देन है, कई से यानी कि मोर देन वन से ओल्डर है लेकिन ओल्डेस्ट नहीं है, तो यानी कि आपका 49 यहाँ पे एल को नहीं मिलेगा, तो एल को या तो 43 मिलेगा या फिर आपका 26 मिलेगा, क्योंकि कम से कम दो तो होने चाहिए, इन्होंने मैनी का यूज करा है ना, तो या तो 26 मिलेगा आपका एल को या फिर 43, तो उसको लिख सकते हो कि एल को या तो 43 मिलेगा या फिर 26 मिलेगा, राइट। देन इसके अलावा कह रहे हैं, एम इज 26 ईयर ओल्ड, तो एम जो कि 26 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, तो एम को हम क्या दे देंगे, 26 ईयर्स ओल्ड, यानी कि आपका एल को क्या दिया जाएगा, 43 ईयर्स ओल्ड, है ना। उसके अलावा कह रहे हैं, वरुण वरुण्स एज इज अ प्राइम नंबर, तो वरुण की जो एज है वो प्राइम नंबर है, तो देखो यहाँ पर एल आ गया, यहाँ पर एम आ गया, अब वरुण की जो एज है वो प्राइम नंबर है, यानी कि वरुण की एज आपकी 19 भी हो सकती है, 23 भी, दोनों हो सकते हैं। देन 26 ईयर्स ओल्ड एंड 19 ईयर ओल्ड आर नॉट इमीजिएट नेबर, तो 26 ईयर्स ओल्ड और 19 ईयर ओल्ड जो है वो इमीजिएट नेबर नहीं है, तो उसको हम लिख लेंगे कि 26 एंड 19 एक दूसरे के आसपास नहीं आएंगे। देन द सम ऑफ लखन एंड ओम्स एज इज 62 ईयर्स, तो एल और ओ की जो एज है वो कैसे है आपकी, 62 ईयर्स है, सो एल और ओ की एज 62 ईयर्स है, तो आपको पता है एल की एज कितनी है, 43, तो आप 43 में से 62 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये आ जाएगा, आई एम सॉरी, 62 में से 43 माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19, यानी कि ओ की एज कितनी होगी, 19, और जैसे ही आप ओ की एज 19 दोगे तो आप बी की एज क्या दे दोगे, 23। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो 49 है वो किसका हो जाएगा, पी की एज हो जाएगी, ठीक, क्योंकि लास्ट में पी बचा है। अब आप इन सबको यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे कि आर के सेकेंड टू दी राइट में वी आएगा तो वी यहाँ पर आ जाएगा, है ना, इसको आप हटा दोगे, एन के सेकेंड टू दी लेफ्ट में 49 आएगा, सो 49 पी को मिलेगा, इसके हिसाब से एन यहाँ पर आ जाएगा, है ना, एम और एल में 1 का गैप आएगा तो एल यहाँ पर आ जाएगा, एल की एज क्या है वो आप लिख दोगे, 43। ठीक, 26 एंड 29 आपके एडजेसेंट नहीं होंगे, तो 26 और 19, ओके आई एम सॉरी नॉट 29 इट्स 19, सो 26 एंड 19 आपके एडजेसेंट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 19 है, के और एन की एज क्या है, के की एज 31 है, एन की एज है यहाँ पे 28, वी की एज है 23, ओके ये भी हो गया, एल को 43 एंड 26 मिलेगा, तो ठीक है एल को 43 मिल गया, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अब इसके एमसीक्यू को देखते हैं, सो फर्स्ट गिवन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के एग्जैक्टली बीच में कौन सा पर्सन आएगा। ठीक, एग्जैक्टली का मतलब यहाँ पे देखो पी को लेकर भी होता है, के को लेकर भी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके एम से लेफ्ट की तरफ काउंट करोगे तो आपका 2 एंड 2 को छोड़ के आपका पी एग्जैक्टली बीच में आ रहा है ना, और एम और एल अगर इसकी राइट में देखोगे तो आपका के एग्जैक्टली बीच में आ रहा है, तो के एंड पी में से जो भी आपका ऑप्शन में होगा उसको आप टिक लगाओगे, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। लेकिन मैं यहाँ पे अगेन करेक्ट करना चाहूंगी कि एग्जैक्टली का मतलब आपका दोनों से लेकर हो सकता है, लेफ्ट साइड से भी एंड राइट साइड से भी, ठीक है। देन नेक्स्ट गिवन है,
इफ एन एंड ओ एक्सचेंज देयर प्लेस, अगर एन और ओ अपने प्लेस को चेंज कर ले, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू. तो यहां पर क्या आ जाएगा, ओ की जगह एन 28, आई एम सॉरी, ओके, और यहां पर क्या आ जाएगा ओ. देन पी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, पी जो है वो सेकेंड टू द राइट है क्या एन के, तो 1 एंड 2, यस ये करेक्ट है. देन के इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, तो के जो है वो थर्ड टू द राइट है ओ के, तो 1 2 3, नो सेकेंड टू द राइट आ रहा है, थर्ड नहीं आ रहा. देन आर एंड पी आर इमीडिएट नेबर ऑफ एन, एन के आर और पी इमीडिएट नेबर है, ये भी नहीं होगा. तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ के, के इमीडिएट नेबर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एल और एम, एल और एम तो गिवन नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है एल अ पर्सन हु इज 26 ईयर ओल्ड. ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा. अब इसमें आपको पेयर ढूंढना है जिसका सम करोगे तो आपको 50 ईयर की एज मिलेगी. तो आप बताओ इनमें से कौन सा पेयर है जिसकी एज आपको 50 ईयर्स मिलेगी. ओके, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए. इसमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट नहीं है ये भी आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करने का तरीका भी हम लोग दूसरा देखेंगे. जो हमारा पुराना मेथड है उस पर नहीं चलेंगे क्योंकि उससे होगा भी नहीं, है ना, और होगा भी तो देर से होगा. हमें कोई भी ऐसे मेथड पे, हमेशा एक मेथड पे ऐसे बन के नहीं रहना है कि हमारा बेसिक यही है तो हमें इसी पे बने रहना है, ऐसा नहीं है. अगर आपको कोई दूसरा मेथड ऐसा मिल रहा है जिससे आप उस क्वेश्चन को, उस इंडिविजुअल क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आप दूसरे मेथड पे जरूर मूव करें. ठीक है, आपको खाली पेपर क्वालिफाई करना है ना. यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में गिवन है, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. एंड मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट पे. देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 7 पर्सन है, उनके नाम गिवन है जो कि है वीर, भाद्रा, चंद, लाल, सूर, दास एंड हुकुम. ओके, सूर दास, चलिए कोई बात नहीं. तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो अलग अलग है, लाइक वी, बी, सी, एल, एस, डी एंड एच. ओके, तो हम लोग पूरा नाम की नहीं लेंगे यहाँ पे, खाली वेरिएबल का यूज करेंगे. इसके अलावा फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लिव ऑन 3 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग. ये कैसे रहते हैं, आपके 3 डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं, 3, 2 एंड 1. द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर 1, जो लोअर मोस्ट फ्लोर है बिल्डिंग का वो नंबर 1 है, इसके अबव नंबर 2 है और फिर उसके अबव 3 है. ठीक, 7 पर्सन है, आपको 3 पर इनको अरेंज करना है. उसके बाद यहाँ पे ये भी कह रहे हैं दे बिलोंग टू डिफरेंट प्लेस, वो डिफरेंट प्लेस से बिलोंग करते हैं जो कि है सतारा, तिरुपुर, इटावा, दुर्गपुर, मुंगेर, ललितपुर, उन्नाव, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. तो इनके ये जो डिफरेंट प्लेस से बिलोंग करते हैं ये वेरिएबल इनके साथ रहेंगे. फिर गिवन है 2 पर्सन लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, दो, अच्छा इन्होंने यहाँ पे देखो ये अच्छा करा है हमारे लिए कि 2 पर्सन जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे, 3 पर्सन आपका सेकेंड फ्लोर पे रहेंगे और 2 पर्सन जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहेंगे. तो ये तो काफी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल क्लियर ही कर दिया. लेकिन अगर ये क्लियर नहीं करा जाता तब भी आपको स्टेटमेंट में ऐसे ऐसी हिंट जरूर मिलती है जिनसे आप ये बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं. चलिए फिर हम क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं. यहाँ पर आप देखोगे मैंने रेड में क्या करा है, इनके नेम को और इनके जो प्लेस के नेम है उनको लिख दिया है. ठीक, वेरिएबल को लिख दिया है. तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं 3, 2 एंड 1. ठीक, यहाँ पे आपके 2 पर्सन आएंगे, यहाँ पे 1, 2 एंड 3 आएंगे और यहाँ पे 1 एंड 2 दो ही आएंगे. ओके, देखो जब आप इसका यूज करते हो और प्लस आपके पास वेरिएबल भी हो, जैसे कि आपके पर्सन भी हो आपके पास और वेरिएबल भी हो, तो आप पर्सन को यहाँ पे जरूर लिख लें क्योंकि वेरिएबल और पर्सन दोनों को अलग अलग फिक्स करोगे तब भी ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा. मतलब यहाँ पे वेरिएबल और पर्सन को फिक्स करने की वजह डायरेक्ट आप पर्सन को अलग भी लिख लें. ओके, तो इस पे थोड़ी सी हेल्प मिलती है. देखो यहाँ पे कह रहे हैं भाद्रा या बी हु बिलोंग्स टू इटावा दे डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर. तो बी जो कि कहाँ से है, इटावा से, ये टॉप मोस्ट पे नहीं आएगा, यानी कि बी को हम थर्ड फ्लोर नहीं देंगे. ठीक, इटावा को आप यहाँ पे लिख दोगे. देन द वन हु बिलोंग्स टू सतारा इज द ओनली पर्सन हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच बी लीव्स. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका वो पर्सन जो कि सतारा से है वो ओनली पर्सन है जो कि बी के साथ रह रहा है, यानी कि ये ऐसे फ्लोर पर आएगा जिसपे आपका सतारा वाला पर्सन और बी दोनों साथ साथ रहेंगे. तो या तो थर्ड पर आएगा या 1 पर आएगा, थर्ड पे तो उसको मना कर दिया गया है, यानी कि बी आपका यहाँ पर आएगा एंड जो पर्सन सतारा से बिलोंग करता है वो आ जाएगा यहाँ पे. ठीक, तो बी कहाँ से बिलोंग करता है, इटावा, इसको लिख सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट गिवन है वीर एंड हुकुम डू नॉट लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर एंड दे बिलोंग टू त्रिपुर एंड ललितपुर.
तो वी एंड एच दोनों ही सेकेंड फ्लोर पे नहीं आएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आएंगे, है ना। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तिरुपुर एंड ललितपुर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो जैसा जैसा लिखा है वैसे ही हम इसको लिख देंगे। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है वो फर्स्ट वाले के लिए, जो सेकेंड वाला वेरिएबल है वो सेकेंड वाले के लिए, ओके। फिर सी बिलोंग टू मुंगेर, तो सी जो है वो मुंगेर से है, तो उसको हम लिख लेंगे, ओके। इसका वेरिएबल हम यूज कर चुके हैं, तो उसको आप हटा सकते हो, है ना। फिर एल बिलोंग्स टू निधर उन्नाव नॉर सतारा, तो आपका एल जो है वो उन्नाव एंड सतारा, ठीक है, से नहीं है। देन डी लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच द वन हु बिलोंग्स टू दुर्गपुर, तो डी जो है वो उस फ्लोर पे रहेगा जिसपे आपका वो पर्सन रह रहा है जो कि आप, मतलब उस फ्लोर पे रहेगा जिसपे आपका दुर्गपुर वाला पर्सन भी रह रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पे कि आपका एल को मना करा गया कि इसको उन्नाव एंड सतारा नहीं मिलेगा, ओके। तो अगर आप देखोगे उन्नाव एंड सतारा जब एल को नहीं मिलेगा तो एस और डी में से मिलेगा, या तो एस को उन्नाव मिलेगा या डी को सतारा मिलेगा, या फिर डी को एस, डी को उन्नाव मिलेगा एस को सतारा मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्या कहा गया है, बी के संग सतारा वाला पर्सन आएगा, तो अगर मैं मान लो डी को यहाँ पे लिखती हूँ, डी को सतारा देती हूँ, तो यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है कि डी जो है वो उस पर्सन के साथ भी बैठेगा जो कि दुर्गपुर से बिलोंग करता है, तो वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसलिए आपका सतारा से कौन बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा आपका एस, ठीक। और उन्नाव से कौन बिलोंग करेगा, उन्नाव से बिलोंग करेगा डी, ओके। लास्ट जो बचेगा दुर्गपुर, तो दुर्गपुर से बिलोंग करेगा आपका एल, तो एल यहाँ पर आ जाएगा जो कि कहाँ से होगा, दुर्गपुर, ठीक। डी यहाँ पर आ जाएगा जो कि होगा उन्नाव से, एंड सी यहाँ पर आ जाएगा जो कि होगा मुंगेर से, ओके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट गिवन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सतारा, सतारा से कौन है, सूर, सो एस, यस एस, ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट आंसर होगा, है ना। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे कौन रह रहे हैं, यहाँ पे इटावा और सतारा वाले पर्सन रह रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, नेटिव ऑफ इटावा एंड सतारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर ट्रू, कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो ठीक है, सो वी सतारा फर्स्ट फ्लोर, नो वी तो थर्ड फ्लोर पे है, लाल दुर्गपुर थर्ड फ्लोर, सो ये भी गलत है, ये सेकेंड फ्लोर पे है, दास उन्नाव सेकेंड फ्लोर, सो दास उन्नाव सेकेंड फ्लोर, यस ये ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। देन हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर पे कौन रह रहा है, सो सेकेंड फ्लोर पर है लाल एंड दास, सो सेकेंड फ्लोर पे दो ही है ना, नो no, तीन है, सी भी है, सो सी एल एंड डी, ओके, तो करेक्ट आंसर होगा एल सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे जो आपकी ये जो टेस्ट सीरीज है, इसका एक एडवांस फीचर ये है कि यहाँ पर आप लोग जब आप पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो उसके बाद आपको एक री अटेम्प्ट मोड भी दिया जाता है, जैसे टाइमर की हेल्प से आप लोग क्वेश्चन को दोबारा से री अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। सो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस आपका जो टेस्ट सीरीज है उसका प्लेटफॉर्म है टेस्ट जोन, साइट का नाम है www.smartkira.com, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे, एंड अगर कोई क्वेरी है सो यू कैन मेल मी ऑन current affairs funda1@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।